राधे राधे दोस्तों, कुक विद राधा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मूंग की दाल का चिल्ला, जो बहुत ही ईजी होता है। आप ट्राई कर सकते हैं, जो अपनी क्वांटिटी के अनुसार मैं आप मूंग की दाल ले सकते हैं। मैंने एक कटोरी मूंग की दाल ली है, जिस तरीके की मूंग की दाल होती है छिलका वाली। इसको रात में भिगो देंगे, मिलती हूँ रात में दाल भिगोने के बाद। अब इसमें पानी अपनी क्वांटिटी के अनुसार डाल सकते हैं, अपने भिगो के रख देंगे। अब ये देखिए दाल मेरी भीग चुकी है, सवेरा हो चुका है। अब इसको अच्छे से धो लेंगे, इसको चार पांच पानी से धोया जाएगा, इसके छिलके निकाल लेंगे। इस तरीके से छलनी से आपके लिए धोना है, मैं आपको धो के दिखाती हूँ। पहले इसको इस तरीके से मैश कर लेंगे ताकि छिलके सारे अच्छे से निकल जाएँ। इसमें थोड़ा पानी, ज़्यादा पानी में धोएंगे। आपको इस तरीके से दाल को धोना है, इस तरीके बेसिंग में आपको पानी में ऐसे करके निकाल देनी है ताकि चिक्का बेसिंग में ना जाए, इसका विशेष ध्यान देना है। इस तरीके से चिक्कल आप इकट्ठा एक जगह करते जाएंगे, ये सारे चिक्कल निकल आते हैं दाल, इस तरीके से चिक्कल निकल आते हैं सारे, दाल के छूट जाते हैं। अब आप देख सकते हैं ये मेरी दाल धुल रही है, ये अभी और पानी से धोनी है। और इस तरीके से आपके नीचे कंकड़ हो जाते हैं तो कंकड़ भी आपको निकालना होंगे, इसलिए आपको दाल को थोड़ा सा थिरा थिरा के निकालनी पड़ेगी। वो मैं आपको पूरी तरीके से पूरी वीडियो देखी है तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। इस तरीके से पानी लेना है कुछ ज़्यादा सा, आप देख सकते हैं इस तरीके से दाल को धीरे धीरे निकालेंगे ताकि नीचे कंकड़ नीचे जो होंगे वो सब निकल आएंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से सारे कंकड़ को निकाल देना है ताकि अंदर कंकड़ ना रह जाए, नहीं तो खाना खाते समय वो छिपेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं सारे दाल एक दूसरे बाउल में निकाल दिए और छिक्कल सब अलग हो गए हैं और सारे कंकड़ जो हैं इधर आपको दिखाऊंगी मैं पूरी तरीके से। आप देखिए इस तरीके से दाल को अच्छे से धोना है तो ये कंकड़ यहाँ पे छोटे छोटे कंकड़ जो होते हैं वो छोटे छोटे जो होते हैं जो पेट में नुकसान करते हैं, आप देख सकते हैं ये दिख रहे हैं। तो इसके लिए ये साफ़ हो गई है दाल, अब हम लोगों का थर्ड प्रोसेस है। अब आपको मिक्सी के ग्राइंड में आपको पीस लेनी है, इस तरीके से आप मिक्सी में पीस सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको एक छलनी में निकाल लिया ताकि इसमें पानी ज़्यादा ना आ सके, क्योंकि दाल गीली हो जाएगी फिर चिल्ला सही से बनेगा नहीं। मैं देखिए मैंने इस तरीके से इसमें ग्राइंड में पीस रही हूँ, अब मिलती हूँ पीसने के बाद। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने ग्राइंड कर लिया, अब ये दाल भी पीस चुकी है इस तरीके से, ये पीस चुकी है। अब इसमें मैंने प्याज जो है ऑलरेडी पहले काट के रख लिया था, दो प्याज मैंने काट लिए, दो हरी मिर्च काट ली थी। आप देख सकते हैं कि मैंने दो प्याज दो हरी मिर्च काट ली है, अब इसमें ऐड कर देंगे, बैटर में ऐड कर देंगे इस तरीके से। दो प्याज दो हरी मिर्च को मैंने इसमें डाल दिया है, अब इसको ऐड कर लिया। शॉर्ट 1 टीस्पून आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। शॉर्ट मैंने डाला है 1 टीस्पून, आधा चम्मच चिली पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला। अब इसको मैश करेंगे, आप देख सकते हैं बैटर अभी थोड़ा गाढ़ा लग रहा है चिल्ले के हिसाब से, अभी इसमें पानी पड़ेगा। मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है इसमें। इस तरीके से आपको गोल तैयार करना है, ना ज़्यादा गाढ़ा होगा ना ज़्यादा पतला होगा, इस तरीके से आपको गोल तैयार करना है। देख सकते हैं ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। अब मेरा बैटर तैयार हो चुका है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हाई फ्लेम पे गैस चला देंगे, ऑन कर देंगे। अब इसको नॉनस्टिक तवा रख देंगे इसके ऊपर, गैस के ऊपर। अब आप देख सकते हैं ये तवा हाई फ्लेम पर रखा हुआ है और ये गर्म हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, आधा चम्मच मैंने ऑयल को नॉनस्टिक तवे में पूरे में फैला दिया है। ये तवा खूब अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तब इसमें जो मैंने बैटर तैयार किया हुआ था अब इसके ऊपर इस तरीके से फैलाएंगे। गो आप देख सकते हैं ना ज़्यादा बैटर ज़्यादा गाढ़ा है ना पतला है, इसको पतला नहीं करना है क्योंकि पतला करेंगे तो ये बेकार हो जाएगा, चिल्ला आपका सही से नहीं बनेगा। आप अपने किसी भी आप इसको पार्टी में या शाम के नाश्ते में आप इसको ले सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ईजी होता है। आप इसको ट्राई करके देखिए आप, या बर्थडे पार्टी में आप इसको बना सकते हैं, बहुत ईजी होता है।
हाई फ्लेम पे ये गैस को धीमा नहीं करना है, नहीं तो धीमा करेंगे तो चिल्ला ख़राब हो जाएगा। इसके ऊपर हल्की सा ऑयल डालेंगे। अब आप देख रहे हैं चिल्ला मेरा सिर भूनने लगा है, सिकने लगा है अच्छे से। अब आप देख सकते हैं कि एक तरफ सिक चुका है, क्योंकि बड़ा इसलिए नहीं डाला है क्योंकि मूंग की दाल का जो होता है वो बीच से फट जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा छोटा ही लेना है। ज़्यादा बड़ा करेंगे तो ये बीच से फिर फट जाएगा, अलग हो जाएगा ये। अब आप देख रहे हैं एक तरफ मेरा सिक चुका है, अब इसको ऐसे तरीके से पलट देंगे। अब देखिए अब कलर कितना प्यारा आया है, पिंक कलर का। देखिए देखने में भी बहुत टेस्टी लग रहा है मेरे को। अब ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है क्योंकि एक बार ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है क्योंकि ज़्यादा ऑयल सेहत के लिए हानिकारक है। आपको एक ही बार ऑयल का यूज करना है, ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है, आप इसे डाइटिंग में भी ले सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ बैटर सिक चुका है, फिर चिल्ला तैयार हो चुका है। अब इसको खा सकते हैं आप, इसको सर्व कर, अब मिलती हूँ सर्व करने के बाद। देखिए कितना सुंदर प्यारा चिल्ला लग रहा है, आप इसको खाइए, आप इसको इस्तेमाल करके देखिए। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए एंड राधे राधे, बाय बाय।